हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर एग्जाम 2019 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? आंसर अनुच्छेद 19। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 विदेशियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन अनुच्छेद 19 विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC पहली बार कब तैयार किया गया था? आंसर 1951। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर YC मोदी। क्वेश्चन नंबर फोर, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर चार्ल्स कोरिया। क्वेश्चन नंबर फाइव, खालिस्तान मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध था? आंसर गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लोक शिकायत के प्रभावी निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पहल खालिस्तान है? आंसर समाधान ऑनलाइन। लोक शिकायत के प्रभावी निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पहल समाधान ऑनलाइन है। क्वेश्चन नंबर सेवन, IUCN लाल सूची में घड़ियाल को खालिस्तान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? आंसर घोर संकटग्रस्त प्रजातियों। IUCN लाल सूची में घड़ियाल को घोर संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर एट, किस धर्म के लिए कमल मंदिर लोटस टेम्पल पूजा का एक स्थल है? आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर नाइन, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम को वर्ष खालिस्तान में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था? आंसर 1973। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम को वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर टेन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT को विनियमित करता है? आंसर SEBI। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।